हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव एंड यू आर वॉचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपको, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग सेकेंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो इसने क्या बोला है कि आपको ये चेक करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो फैक्टर है क्या नहीं सेकेंड पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो आपको ये चेक कैसे करना है, डिवाइड करके। तो डिवाइड करने पे अगर जो आपका रिमाइंडर है वो ज़ीरो आ रहा है तो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल फैक्टर है, अगर रिमाइंडर ज़ीरो के अलावा कुछ और आ रहा है तो वो फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल को जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स आपको दे रखा है टी स्क्वायर माइनस थ्री, और फर्स्ट पॉलिनोमियल को हम लिख लेते हैं पी ऑफ एक्स, दैट इज़ टी की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, तो आपको करना क्या है, p ऑफ x को डिवाइड करना है g ऑफ x से। ठीक है, तो p ऑफ x को डिवाइड करेंगे हम g ऑफ x से, अगर रिमाइंडर आ गया 0 तो फर्स्ट वाला फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो करके देख लेते हैं एक बार डिवाइड। तो t स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज़, और इधर लिख लिया हमने p ऑफ x, दैट इज 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो t स्क्वायर को 2t की पावर 4 बनाना है, तो t स्क्वायर को t की पावर 4 बनाऊंगा तो t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा और आगे 2 भी है, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर। तो 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2t की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, अब माइनस 3 इंटू 2t स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 इज 6 और माइनस साइन आ जाएगा और टी स्क्वायर, तो माइनस 6t स्क्वायर। साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस में था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस में हो गया। अब करेंगे 2t स्क्वायर माइनस 2t की पावर 4 माइनस 2t की पावर 4 कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्यूब वाला फैक्टर एज इट इज़ आ जाएगा नीचे, और ये माइनस 2t स्क्वायर था और ये प्लस 6t स्क्वायर, तो 6 माइनस 2 इज 4, तो प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t एज इट इज़, और ये माइनस 12 भी एज इट इज़। ठीक है, अब टी स्क्वायर को 3t क्यूब बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं 3t से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3t क्यूब माइनस 3 इंटू 3t, तो हो गया माइनस 9t। ठीक है, साइन चेंज, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, 3t क्यूब और माइनस 3t क्यूब ये कैंसिल आउट हो गया, 9t माइनस में और ये प्लस में ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो अब बचेगा क्या, इधर से आ जाएगा 4t स्क्वायर, ये तो गया, और ये माइनस 12 एज इट इज़। ठीक है, अब टी स्क्वायर को इसको 4t स्क्वायर बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से, तो ये हो गया 4t स्क्वायर और माइनस 3 इंटू 4, माइनस 3 इंटू 4 12, माइनस 12, साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस में ये माइनस में गया, ये माइनस में ये प्लस में ये भी गया, तो क्या बचेगा, 0। तो अगर रिमाइंडर 0 है तो क्या होगा, ये फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर है मतलब इसका, इसको किसी ना किसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाला नंबर बन जाएगा, फैक्टर का मतलब यही होता है। तो रिमाइंडर आया 0 मतलब ये फैक्टर है, तो देयरफोर जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखते हैं आपका सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और सेकेंड पॉलिनोमियल है 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका जी एक्स, फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है जी एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और पी ऑफ एक्स जो आपका सेकेंड पॉलिनोमियल है वो है 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या रहता है रूल, कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ये तो जमा हुआ है, ये भी जमा हुआ है, पहले 4 आया फिर 3 फिर स्क्वायर फिर 1 और फिर कांस्टेंट। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो जमा हुआ है। अब क्या करना है आपको, पी ऑफ एक्स को डिवाइड करना है जी ऑफ एक्स से। ठीक है, और क्या पता लगाना है कि वो फैक्टर है या नहीं है, जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर है या नहीं है। तो कैसे पता पड़ेगा, हम डिवाइड करेंगे और अगर रिमाइंडर आ रहा है 0 तो है फैक्टर, नहीं तो नहीं है। तो देख लेते हैं एक बार डिवाइड करके। तो जी ऑफ एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और किसको डिवाइड करना है, 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को
थ्री एक्स की पावर फोर बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, थ्री एक्स स्क्वायर से। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, थ्री एक्स की पावर फोर। ठीक है, अब थ्री एक्स इंटू थ्री एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया, थ्री इंटू थ्री नाइन, तो नाइन एक्स क्यूब। वन इंटू थ्री एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर। साइन चेंज, ये तो हो गया माइनस, कैंसिल हो गया ये। ठीक है, ये प्लस में था, ये माइनस में, तो कैंसिल हो गया पूरा। ठीक है, ये फाइव एक्स क्यूब है और इधर माइनस नाइन एक्स क्यूब, फाइव माइनस नाइन इज माइनस फोर एक्स क्यूब। माइनस सेवन माइनस थ्री, तो ये हो गया माइनस टेन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस टू एक्स एज इट इज और प्लस टू भी एज इट इज। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को माइनस फोर एक्स क्यूब बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, माइनस फोर एक्स से, तो ये हो गया माइनस फोर एक्स क्यूब। थ्री एक्स इंटू माइनस फोर एक्स हो गया माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर। वन इंटू फोर माइनस फोर एक्स, तो ये हो गया माइनस फोर एक्स। साइन चेंज, तो प्लस फोर एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स क्यूब, ये तो गया माइनस टेन और प्लस टू, माइनस टेन और प्लस ट्वेल्व, तो ये बचेगा ट्वेल्व। माइनस टेन प्लस ट्वेल्व, ये बचेगा टू एक्स स्क्वायर। टू माइन टू प्लस फोर दैट इज सिक्स एक्स, और ये हो जाएगा प्लस टू एज इट इज। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को टू एक्स स्क्वायर बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, टू से। ठीक है, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू टू, टू एक्स स्क्वायर। थ्री एक्स इंटू टू इज सिक्स एक्स, वन इंटू टू इज टू। साइन चेंज, तो ये टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर कट गया, सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स ये भी कैंसिल, टू माइनस टू ये भी कैंसिल, तो बचेगा क्या, ज़ीरो। अगर रिमाइंडर ज़ीरो है मतलब ये इसका फैक्टर है। ठीक है, तो देयरफोर क्या लिखेंगे हम, यही पता लगाना था कि जी ऑफ एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, यही पता लगाना था इसको डिवाइड करके कि ये फैक्टर है या नहीं है, तो रिमाइंडर आया ज़ीरो, मतलब ये फैक्टर है। ठीक है, अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, दैट इज थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन, और सेकेंड पॉलिनोमियल है एक्स की पावर फाइव माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल को हम लिख देंगे जी ऑफ एक्स, तो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन, और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल। सेकेंड पॉलिनोमियल इज पी ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर फाइव, फिर एक्स की पावर फोर आना चाहिए बट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे ज़ीरो एक्स की पावर फोर। ठीक है, और इधर आ जाएगा फोर एक्स क्यूब एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस थ्री एक्स प्लस वन। तो हमको डिवाइड क्या करना है, पी ऑफ एक्स को डिवाइड करना है जी ऑफ एक्स से, तो करके देख लेते हैं। तो जी ऑफ एक्स क्या था हमारा, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन, और इधर डिवाइड करेंगे हम एक्स की पावर फाइव प्लस ज़ीरो एक्स की पावर फोर माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। ठीक है, अब एक्स क्यूब को एक्स की पावर फाइव बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर फाइव, ये तो हो गया एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स की पावर फाइव, ये हो गया माइनस थ्री एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब के नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, वन इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर के नीचे आ जाएगा, तो वन साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर फाइव माइनस एक्स की पावर फाइव, कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस फोर एक्स क्यूब था और इधर था प्लस थ्री एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया कैंसिल आउट, बचेगा क्या, इधर से बचा थ्री एक्स और इधर क्या बचा, प्लस वन। ठीक है, ये ज़ीरो एक्स की पावर फोर था, ज़ीरो को हम नीचे उतारेंगे ज़ीरो ही रहेगा, तो कोई मतलब नहीं उतार के। ठीक है, अब एक्स क्यूब को माइनस एक्स क्यूब बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस वन से, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स इंटू माइनस वन, तो ये हो जाएगा प्लस थ्री एक्स। वन इंटू माइनस वन दैट इज माइनस वन, साइन चेंज, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स ये भी कैंसिल आउट हो गया, वन प्लस वन तो ये आ गया टू, ये कैंसिल आउट नहीं हुआ और ये ऐड हो गया, तो वन प्लस वन हो गया टू। तो इस केस के अंदर, इस पर्टिकुलर केस में रिमाइंडर आपका ज़ीरो नहीं आया, टू आया, तो ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, यही पता लगाना था ये फैक्टर है कि नहीं, अगर रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो वो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो देयरफोर जी ऑफ एक्स इज़
नॉट अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 3 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।